नमस्कार दोस्तों, मिस्थीरी अस्नूज में आपका स्वागत है। देवदूतों का अस्तित्व वास्तविक होता है और वे हमारे बीच मौजूद रहते हैं, जहां हम या एक सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। वे वहां भी आते हैं और हमारे बीच रहते हैं। वे हमारे जीवन में कई अलग अलग परिस्थितियों और कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करते हैं। देवदूत हमारी मदद करने के लिए कुछ अप्रत्याशित काम करते हैं और हमें समस्याओं से बाहर आने में मदद करते हैं। फरिश्ते हमेशा सबके लिए एक जैसा व्यवहार नहीं करते। वे हम सभी को देखते हैं और जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा इंसान है, और यदि उन्हें लगता है कि कोई वास्तव में निर्दोष, ईमानदार और भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे व्यक्ति को कोई समस्या है, तो वे उस तरह के लोगों की मदद करते हैं और उन्हें उनकी समस्या या बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। कभी कभी वे कुछ ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो वास्तव में समर्पित हैं और दुनिया की मदद के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मानवता के रूप में अगर कोई दुनिया और जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करना चाहता है और उनका इरादा वास्तव में अच्छा है, तो देवदूत उन्हें किसी भी समस्या या बाधा से बाहर निकलने में मदद करते हैं। देवदूत चमत्कार नहीं करते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से छिपे हुए तरीके से काम करते हैं और समस्या को प्राकृतिक तरीके से हल करते हैं। अगर आपके आसपास कोई फरिश्ता रहता है तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें आप नोटिस कर सकते हैं। यदि आप बहुत उदास हैं और निजी कमरे में रो रहे हैं, तो वास्तव में आपकी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है। और तुरंत दरवाजे की घंटी बजती है और कोई आपसे पार्टी में शामिल होने या उनके साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आता है, या आप किसी के बारे में चिंतित हैं और बहुत गहराई से और स्वचालित रूप से सोच रहे हैं, तो वे व्यक्ति आपको कॉल करता है और आपसे बात करता है, जो चौंकाने वाला होगा। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब आप गहरी परेशानी में होते हैं और किसी समस्या के बारे में सोचते हैं और उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन स्वचालित रूप से एक विचार आता है और आपको लगता है कि आपने पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। आप गहरी वित्तीय समस्या में हैं और अचानक एक दोस्त आता है और आपको मदद लेने की पेशकश करता है। ये बात फरिश्ता और अभिभावक देवदूत की मदद से होती है। विशेष रूप से 10% लोग दुनिया में हैं जो अदृश्य स्रोतों से समय समय पर अद्भुत सहायता और समर्थन का अनुभव करते हैं, जब उन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है। एक अभिभावक देवदूत की मदद करने के लिए विभिन्न धर्मों में कई प्रार्थनाएं और अनुष्ठान होते हैं, जो आपको एक अभिभावक देवदूत जीवन काल से सहायता या समर्थन प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं जो अगर हथेली में मौजूद हैं, तो आपको मदद जरूर लेनी चाहिए। दैवीय स्रोतों से स्वचालित रूप से जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन उस तरह के लोग भी अपने जीवन में हर चीज के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा सफल होता है और उन्हें हमेशा किसी न किसी या दिव्य स्रोत से जीवन भर मदद मिलती है जब उन्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे देवदूत के बारे में जानेंगे जो हमारे साथ अभिभावक देवदूत के रूप में उपस्थित रहते हैं और वे हमारी मदद करते हैं और कभी कभी हमारे कर्म के अनुसार चोट भी पहुंचाते हैं। संरक्षक देवदूत और उनके कर्तव्यों का रहस्य। मिशेल देवदूत। यह पहला देवदूत है जिसके पास नीलम जैसी त्वचा, आकर्षक और प्रभावशाली चेहरा होता है। कुछ धर्म उन्हें भगवान का पुत्र कहते हैं। वह पुण्य आत्मा यानी सज्जन लोगों के रक्षक होते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि वह मनुष्यों की आबादी और इस विश्व पीढ़ी पर नजर रखे। इन देवदूतों में ईश्वर से सीधे संवाद करने की शक्ति होती है। ये शायद ही कभी किसी इंसान की मदद करते हैं, लेकिन अगर वह मदद करते हैं तो उनकी मदद किसी के जीवन में चमत्कार कर सकती है। राफेल देवदूत। इन देवदूतों के पास पना जैसा शरीर होता है। वे किसी की चोट को ठीक करने की शक्ति रखते हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी। वे एक डॉक्टर की तरह होते हैं। यदि वह किसी से स्नेह करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, तो वे उनकी किसी भी तरह की असाध्य बीमारी या किसी के दर्द को ठीक कर सकते हैं, और उनकी प्रार्थना से वे अन्य लोगों को ठीक करने के लिए आपको उसी शक्ति से पुरस्कृत कर सकता है। एरियल देवदूत। इन देवदूत के पास नारंगी रंग का शरीर होता है और उनके चारों ओर नारंगी रंग की चमक होती है। प्रकृति की देखभाल करना उनका कर्तव्य होता है। जो लोग प्रकृति या निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाते हैं, वे जरूरत पड़ने पर उन्हें दंडित भी करते हैं। यूरियल देवदूत।
इन देवदूत का रंग माणिक जैसा होता है, उनका रूप सुंदर होता है और उन्हें सभी तरह के समाधान का ज्ञान होता है। वे किसी भी समस्या को सरलता से हल कर सकते हैं और वे गंभीर समस्या को हल करने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन और समर्थन दे सकते हैं। उनकी प्रार्थना से व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कठिन समस्या को सरलता से हल कर सकते हैं। जोफिल देवदूत, उनके पास पीले रंग का शरीर होता है, उनके पास ज्ञान की शक्ति, विचार, बुद्धि और हास्य की अच्छी भावना होती है। उनका कर्तव्य होता है कि वे हर वास्तविक से ज्ञान प्राप्त करें और भगवान को अपडेट करें और विवरण दें। उनमें आपको नई ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा देने की शक्ति होती है। वह आपकी उदासी, आपकी समस्या और आपके दर्द को कम कर सकने में सक्षम होते हैं। चामुएल देवदूत, इनका गुलाबी रंग का शरीर होता है, वह किसी भी दायरे के अंदर सब कुछ देख सकते हैं, वह भगवान को भी देख सकने में सक्षम होते हैं। वह आपकी इंद्रियों, आपकी संवेदनाओं, आपके विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और आपके तनाव को स्थायी रूप से दूर कर सकते हैं। वह हमें जीवन में प्रेम और शांति के बारे में सिखाते हैं। अनिल देवदूत, इन एंगेल्स का शरीर बहुरंगी और चमकदार होता है, भगवान के आशीर्वाद के रूप में उनका दूसरा नाम है। वह उन लोगों पर नियंत्रण और शासन करते हैं जो ज्ञान और मस्तिष्क से संबंधित किसी भी काम में लगे हुए हैं। यदि आप किसी चीज से प्रभावित हैं या आपको कोई काल्पनिक समस्या है या मन से जुड़ी कोई समस्या है तो वे आपकी मदद करता है। रागियल देवदूत, इनका रंग गहरा नीला होता है, भगवान के रहस्य के रूप में उनका एक और नाम है। वह सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियों, अपसामान्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। यदि कोई आयाम, क्षेत्र और रहस्यमय शक्तियों के बारे में सच्चाई जानना और समझना चाहता है या गुप्त अनुष्ठानों में अभ्यास करना चाहता है तो वे उनकी मदद अवश्य करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।